भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके मौजूदा समय में डिप्टी सीएम के पद पर बैठे केशव प्रसाद मौर्य आजकल बहुत परेशान हैं। परेशान ऐसे हैं कि अब बीजेपी में सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है। बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य का दम घुटने लगा है। अरे भाई, योगी राज में जहां अच्छे अच्छे लोगों के बड़े से बड़े केस वापस हो गए, वहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर दिया है, वो भी एक मकान पर कब्जे को लेकर। सच में क्या ये मुमकिन है? क्या केशव प्रसाद मौर्य किसी को मकान का कब्जा दिलवाने के मामले में हाई कोर्ट से तलब किए जाएंगे? लेकिन तलब किए गए हैं, कोर्ट ने उनसे जवाब भी मांगा है और आगे आने वाली 10 जनवरी को इस मामले पर फिर से सुनवाई होने वाली है। इससे पहले उनका हेलीकॉप्टर छीना गया, हालांकि उसे तो फिर लौटा दिया गया। फिर उसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात, हालांकि इस शिष्टाचार भेंट में क्या बात हुई ये तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य अपने साथ हो रही एक के बाद एक जातियों को लेकर दिल्ली दरबार पहुंचे थे, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि क्लियर कुछ भी नहीं है। बस जो नजर आ रहा है वो ये कि योगी के सत्ता में रहते केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरह फंस गए। जी हाँ, अब जब छोटे छोटे मामलों में फंसाए जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, कुंती नाम की महिला को मकान दिलाने का आरोप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर लगाया गया है। याचिका डाली है विष्णु त्रिपाठी ने। तो केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में दम नहीं घुटेगा तो भला और क्या होगा? भाई, केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी में हालत ऐसी हो गई है, उनकी छवि इस कदर खराब करने का काम किया गया है जितने की विपक्ष ने भी केशव प्रसाद मौर्य की नहीं की। मतलब वो तो अभी ऐसे हो गए हैं कि उनके अपने ही उनके दुश्मन बन बैठे हैं। विपक्ष के किसी नेता की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई होगी जितनी की केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी का डिप्टी सीएम रहते हो गई। पिछड़ी जाति से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाया जाता है। पार्टी ने उनको पूरी तरह से दरकिनार किया हुआ है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। 2017 से पहले केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी को जीत दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। पिछड़ी जातियों के मन में तो पक्का था कि हमारा नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी, नड्डा, अमित शाह के साथ सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नजर आया करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार के कान भरे गए, यूपी में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद तो केशव प्रसाद मौर्य को किनारे ही लगा दिया गया। सीएम की कुर्सी तो छोड़ ही दीजिए, विपक्ष के भी किसी नेता की इतनी दुर्गति नहीं की गई जितनी की केशव प्रसाद मौर्य की करती गई। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने जब केशव प्रसाद मौर्य की यह हालत देखी तो उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उनसे पूरे हालात को समझा गया, यूपी की हालत के बारे में एक एक बात की गई। तो क्या ऐसे में इस बात पर विचार हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी विधानसभा चुनाव का चेहरा बना दिया जाए? क्योंकि जगह जगह गांव-गांव में योगी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि योगी सरकार में पिछड़ी जातियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इस सरकार में सिर्फ ऊंची जातियों की ही सुनी जाती है, सरकार ठाकुरों की है, यहाँ सुनवाई भी सिर्फ उन्हीं की होती है। ऐसे में जब केशव प्रसाद मौर्य को सरकार के ही लोग बड़ी चाल में फंसाने में लगे हुए हैं, तो फिर क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने लिए कोई दूसरा विकल्प तलाश करेंगे? क्या बीजेपी से अलग अपनी एक अलग राह बनाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? क्या बीजेपी से मोह भंग होने के बाद विपक्षी तो नहीं कहलाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? या फिर कहीं समाजवादी पार्टी का दामन तो नहीं थाम लेंगे? अगर राजनीतिक गलियारों से आ रही खबर में जरा सा भी दम हुआ तो ये योगी क्या केंद्र में बैठी बीजेपी के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। बीजेपी के हाथ से तो मानो यूपी में सब कुछ निकल जाएगा, बीजेपी के हाथ यूपी में खाली हो जाएंगे। अगर पिछड़ी जाति के लोग ही सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर तो बीजेपी की गई भैंस पानी में। फिर बीजेपी को आखिर कौन पूछेगा? फिर तो समाजवादी पार्टी की ही जय जयकार होगी। हालांकि अभी खबर पर मोहर नहीं लगी है, सिर्फ राजनीतिक गलियारों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि योगी राज में प्रताड़ित हैं, उनको लेकर ये खबर आग की तरह फैल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अभी इसके सच्चाई को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1% भी इसमें सच्चाई है तो बीजेपी के नेता अपनी कमर कस लें, तैयार हो जाएं अखिलेश से हार का सामना करने के लिए, अखिलेश से मूकी खाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो योगी केशव प्रसाद मौर्य से अपनी मनभेद और मतभेद निभाते रह जाएंगे, वहाँ बीजेपी के हाथ खाली हो जाएंगे।
बीजेपी के हाथ से यूपी की सत्ता चली जाएगी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के नेतागण क्या करते हैं और क्या कहते हैं ये आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या योगी की सत्ता में प्रताड़ित केशव प्रसाद मौर्य थामेंगे समाजवादी पार्टी का दामन? क्या केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश में पिछड़ों के उत्थान के लिए जाएंगे अखिलेश के साथ, या फिर बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में रोक पाने में हो जाएगी सफल? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।